हम लोग इस क्लास के अंदर अभी सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है उसी प्रश्नों को, इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल के साथ देखने वाले, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उन सभी प्रश्नों को पूरे मंथ का देखने वाले हैं दोस्तों। और ये क्लास आप लोगों को किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस क्लास के अंदर आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास शुरू करने के पहले, आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो करंट अफेयर्स का हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बेंगलुरु के अंदर शुरू किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमर बेटी हमर मान अभियान शुरुआत किया गया, ये किस राज्य सरकार के द्वारा? ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, हमर बेटी हमर मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुएला वेबरमैन को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के बंटवारे को मंजूरी दी है? ये कुसियारा नदी के बीच में समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी के बंटवारे को मंजूरी किया है? तो ध्यान रखिएगा कुसियारा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें अटर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय की बात करें 14वें अटर्नी जनरल तो KK वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इनके स्थान पे सरकार के द्वारा मुकुल रोहतगी का नाम आया था, लेकिन मुकुल रोहतगी ने अपने आप से इसमें इस पद पर काम नहीं करने के लिए घोषणा किया। इसके साथ ही इनको आर के वेंकटर मणि को देश के 15वें अटर्नी जनरल के रूप में चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, आर के वेंकट रमन हमारे देश के नए अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल की बात करें दोस्तों, देश का सबसे बड़ा एडवोकेट जनरल, देश का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? अटर्नी जनरल होते हैं, जिनका कि देश के लिए ये इन्होंने सबसे बड़ा वकील का काम करता है। और इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 66 के अंदर है, 76 के अंदर क्षमा करेंगे, अटर्नी जनरल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के 76 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से फोन की बिक्री से पहले उनके EMI पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से पहले जितने भी फोन पे बिक्री होंगे उन बिक्री के EMI पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनेगी दोस्तों वो जियो जॉर्जिया मेलोनी बनेगी। ध्यान रखिएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? जियो जिरिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री हैं, देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और इसी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये 30 सितंबर को किया गया है दोस्तों, 30 सितंबर 2022 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है, 2022 में। ध्यान रखिएगा, 2022 में किसको दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आशा पारेख को। वहीं पर बात करें हम लोग, ये जो दिया गया आशा पारेख को 52वां नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और भारत में
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में। और वहीं पर हम लोग बात कर लें, विश्व में सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अमिताभ बच्चन, ये इनको दिया गया था 50वें नंबर का, और इनको जो दिया गया था 2018 के लिए दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और इनके साथ में ही याद रखिएगा 2019 के लिए जो दिया गया था 91वें नंबर 51 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये दिया गया था दोस्तों रजनीकांत को, रजनीकांत को। और 2022 में जो दिया गया आशा पारेख को भी दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, किस वर्ष के लिए, तो 2020 के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत ध्यान रखिएगा दोस्तों 1969 यानी 1969 ईस्वी से शुरुआत हुआ है, पहली बार ये देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला, तो ध्यान रखिएगा आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 ये आंध्र प्रदेश को मिला, आंध्र प्रदेश। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को उत्कर्ष पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कर्नाटक राज्य के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रत्येक वर्ष के सितंबर के चौथे संडे को, प्रत्येक वर्ष सितंबर महीना के चौथे संडे को, चौथे रविवार को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस, और ये इस बार 2022 के अंदर जो है दोस्तों 25 सितंबर को मनाया गया। तो इस तरह से याद रखिएगा विश्व नदी दिवस सितंबर के प्रत्येक चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात कर ले दोस्तों विश्व समुद्री दिवस, ये 24 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने बथुकम्भा के अवसर पर, बथुकम्भा के अवसर पर महिलाओं को बधाई दी है, यह किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि बथुकम्भा त्यौहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में। बथुकम्भा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भगत सिंह शहीद आजम, भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पे रखा गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इस तीनों को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र की सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है, महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन मेघचक्र, याद रखिएगा इसको मेघचक्र शुरू किया है, यौन शोषण को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र शुरू किया है, किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सीबीआई के द्वारा, सीबीआई, ये इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2022 ईस्वी को हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूरे देश के अंदर यौन शोषण को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र किसके द्वारा शुरू किया गया है, सीबीआई के द्वारा, कब से, 24 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए की देशव्यापी छापामारी का कोड क्या था? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए की देशव्यापी छापेमारी का कोड क्या था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन कॉक्टोपस। ऑपरेशन कॉक्टोपस जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए की देशव्यापी छापेमारी का कोड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए दिलीप टिर्की, ये इनको निर्विरोध चुना गया। दिलीप टिर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, इन्होंने किनका स्थान लिया? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्रो निगोबान। ज्ञानेंद्रो निगोबान के स्थान पे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, कौन? दिलीप टिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया कितने साल पूरे किए? यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 सितंबर 2014 ईस्वी को शुरुआत हुआ था। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 ईस्वी को शुरू किया और 2022 में इन्होंने 8 साल पूरे कर लिए। कितने वर्ष पूरे किए? 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां महारत्न महारत्न कंपनी कौन सी बनी? हाल ही में 12वां महारत्न कंपनी कौन सी बनी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 12वां महारत्न कंपनी कौन सी बनी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 12 महारत्न कंपनी, इस प्रकार से इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एक है दोस्तों REC। तो इस तरह से 12 महारत्न कंपनी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किसके चुनिंदा भाषणों का संग्रह है? तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका में 2023 के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी ने कचरे से प्रबंधन में विफल रहने के लिए किस राज्य पर 2180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? ये पंजाब की सरकार में लगाया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, ये पहला शहर जो है इंदौर है। पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में किस देश के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत ने ये जो प्रदर्शनी के लिए श्वेत पत्र लॉन्च किया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क की दोस्तों ध्यान रखेंगे राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और इसी डेनमार्क के साथ ने भारत और डेनमार्क ने मिलकर विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म
आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक हाल ही में किसने विमोचन किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पुस्तक जो है रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है, विमोचन किया किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती है? किस देश ने अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती थी? ध्यान रखेंगे ये भारत ने जीता है। और ये किसको हरा के जीता, इसको भी ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को हरा के जीता। कहाँ पर इस खेल का आयोजन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कोलंबो के अंदर। भारत ने हाल ही में अंडर 17 दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीती है। किसे हरा के जीती है? तो श्रीलंका को हरा के इस खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोलंबो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा, केंद्रीय मंत्री रक्तदान द्वारा अमृत महोत्सव का शुरुआत किया गया, मनसुख मंडाविया के द्वारा। ध्यान रखेंगे, और इसकी जो शुरुआत हुई है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच ये चलने वाला रक्तदान अभियान है, ये पूरे भारत के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, बहुत अच्छा पुस्तक का नाम है, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, जीवेश नंदन। जीवेश नंदन मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक के लेखक है, जीवेश नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो ये जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलिये डे ली लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया गया, किसे किया गया है, इस सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलिये डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पीरामल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष के 65 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बजरंग पुनिया ने जीता है। किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग के द्वारा एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO ई पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, BLO ई पत्रिका का जो विमोचन किया गया, भारत निर्वाचन आयोग। ध्यान रखेंगे, भारत निर्वाचन आयोग की बात करें, इसकी जो स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। कब स्थापना हुआ निर्वाचन आयोग का? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारतीय संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है, अनुच्छेद नंबर 324, इसको भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सीए द हैसी, जनता के शिकायतों को दूर करने के लिए सीए द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर की सरकार ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सीए द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस बल RPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल यानी RPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण पर हस्ताक्षर किया है। वैसे ध्यान रखना दोस्तों, जैव विविधता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को भारत में प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस विश्व में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर नेपाल हो जाएगा। नेपाल के साथ भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो 2021 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो घोषित किया गया है दोस्तों, वो कोलकाता को घोषित किया गया है। कोलकाता को 2021 के अनुसार 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 सितंबर को। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोरबाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे, यानी किस देश से संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, रूस के ये पूर्व राष्ट्रपति रहे। कौन? मिखाइल गोरबाचेव, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 4 लोगों को दिया गया है। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। कौन कौन? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के मनोचिकित्सक है सोथियारा छिम, कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम। और दूसरा है जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी। ध्यान रखिएगा, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी। तीसरा है दोस्तों, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेड मेड्रिड। चौथा है फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेधी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये चारों व्यक्तियों को 2022 के अंदर 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने नौसेना पोत INS विक्रांत को किस स्थान पर नौसेना को सौंपा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोचीन के अंदर जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना पोत INS विक्रांत को नौसेना को सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कनाडा के अंदर एक स्थान है जहां पर इस रोड का नाम AR रहमान के रोड पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, कितने तारीख को मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में। और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे फटाफट से कि बताइए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने किया? ध्यान रखिए, ये हो भी चुका है, कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दुबई में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने किया? दुबई ने।
हम लोग बात करें दोस्तों होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है, तो हैनीमैन को, ये भी ध्यान रखिएगा, होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है, हैनीमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ पर कौन सा दिवस मनाने का फैसला किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैदराबाद राज्य की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, किस रूप में, हैदराबाद मुक्ति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2029 तक, 2029 ईस्वी तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के मौके पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 46 शिक्षकों को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। ध्यान रखिएगा, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, अरविंद चिदंबरम ने। किसने जीता है, ध्यान रखिएगा, अरविंद चिदंबरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। कौन सा, किसको पछाड़कर, ब्रिटेन को। और विश्व में भारत का जो अर्थव्यवस्था है किस स्थान पे है, सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसे मिला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मास्टर कार्ड को घरेलू और बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दिया गया, मास्टर कार्ड को। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर, वानखेड़े मुंबई में है, और इसी वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। और इसके अभी हेड कौन है, ध्यान रखिएगा, अभी हेड जो है सौरभ गांगुली, ध्यान रखना है दोस्तों, कौन है, सौरभ गांगुली। एक क्वेश्चन आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार किस राज्य से को सम्मानित किया जाएगा, पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल को ब्रिटेन ने गृह मंत्री बनाया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुएला वेबरमैन को भारतीय मूल की है, जिनको ब्रिटेन के अंदर गृह मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पर्व शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक पर्व। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पर्व शुरू किया है, शिक्षक पर्व। वैसे हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति भारत में जो दोस्तों लागू किया गया, किस समिति के सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश में से भारत में नई शिक्षा नीति लागू किया गया, कस्तूरी रंगन समिति। और इस परीक्षा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसमें 10+2 को समाप्त करके इसके जगह पे 5+3+3+4 ये लागू किया है। एक क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे दोस्तों कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह पर
ऑक्सीजन खोजा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है। मंगल ग्रह की बात करें दोस्तों, इसी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी ग्रह पे आयरन ऑक्साइड का कुछ सबूत मिले, जिसके कारण इसको मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस एवं डिमोस। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का। और इसी मंगल ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन खोजा है। दोस्तों ये नासा की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। और इसी नासा ने मंगल ग्रह पर अभी ऑक्सीजन को खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव गांव कौन सा बना? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भरतौल, उत्तर प्रदेश का भरतौल जिला जो है, जहां पर आरओ का पानी पहुंचने वाला देश का पहला गांव बना। पूरे देश के अंदर भारत का पहला गांव जहां पर कि आरओ का पानी पहुंचा, वो कौन सा गांव है? भरतौल गांव। ये कहां पर है? ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया कप 2022, एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। और किसको हरा के जीता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान को हरा के। एशिया कप 2022 क्रिकेट किस देश ने जीता? श्रीलंका ने जीता है। किसको हरा के जीता है? पाकिस्तान को हरा के जीता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक बार एशिया कप को किसने जीता है? भारत ने 7 बार जीता है, और दूसरे स्थान पे श्रीलंका है जिसने कि 6 बार जीता है। तो इस तरह से दोस्तों, हम आपको पूरे सितंबर महीने का प्रमुख जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल के साथ आपको समझाने का प्रयास किए। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव परीक्षा देने के लिए आप जाइएगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए निश्चित रूप से 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, और अगली क्लास में फिर से नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। आप लोग इस क्लास को छोड़ने के पहले हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगले दिन फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।